स्वागत है तुहाडा देश प्रदेश प्रोग्राम दे विच। अज मेरे नाल दो मेहमान ने जी, रूपल जी और विशेष तौर पर सिद्धार्थ जी आए हुए हैं ग्लोबल अपॉर्चुनिटी तो टॉपिक दो रहेंगे। गल्लां बातां होर भी करेंगे काफ़ी सारिया। जे तुसीं विदेश जाण दे चाहवान हो, मन दे विच इच्छा हैगी है कैनेडा जाण दी, न्यूजीलैंड जाण दी, की शर्तां ने, कि डाकूमेंट्स लगते हैं, किन्नी परसेंटेज, किन्ने बैंड दे नाल, किहड़े कॉलेज, किहड़े कोर्स दे भी जाया जा सकता है, काफ़ी डिटेल दे विच गल्लां बातां असीं करांगे। सिद्धार्थ जी स्वागत सब तों पहलां। थैंक यू अमन जी। जी रूपल जी तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। रूपल जी तुहाडे वल मैं आना चाहूँगा, इस वक्त मई इनटेक दी सीट्स किन्नी क बची हैं? मेन टेक हुन मोस्ट ऑफ इट खत्म। खत्म हो गया है। हाँ जी, जिहड़ियां थोड़ियां बहुतियां बचियां ने ओह भी जिहड़े हाईटेक कोर्सेज हैगे ने, जिहड़े आर्ट्स ते डिजाइन थोड़े बहुते रह गए ने। बाकी बिजनेस आईटी जिहड़ा मेन इनटेक में हुंदा है, ओह बिजनेस आईटी दा हुंदा है, ओह सब खत्म हो गया, क्लोज हो गया ने। जी सिद्धार्थ जी, कैनेडा सब तो पहली डेस्टिनेशन हैगी है, ये पिछले रीजन की समझते हो तुसी? तुसी बहुत पुरानी कंपनी हो, हज़ारों बच्चे तुहाडे थ्रू जाते रहते हैं, तुसी दिल्ली भी बैठे हो, पंजाब च बैठे हो, होर स्टेटां दे विच भी बैठे हो, की रीजन की लगता तुहानू पहली प्रायोरिटी कैनेडा बच्चों की क्यों रही है? पी आर बेसिकली उनकी जी जी फर्स्ट प्रायोरिटी स्टूडेंट्स की है वो हैगी है परमानेंट रेजिडेंसी, स्टे बैक ऑप्शन, पी आर। बिल्कुल जी, तो अज की डेट में जो तुसी मतलब शुरू तो वेखो, हमेशा वो कंट्री जिदे विच वर्क राइट्स है, पी आर है, स्टूडेंट्स ने प्रेफर किया, तो आई वुड से कैनेडा इसलिए फर्स्ट चॉइस है पी आर ऑप्शन से स्टे बैक ऑप्शन कर। हाँ जी, एक वड्डा रीजन रहा है, बहुत वड्डा रीजन है जी, बहुत वड्डा रीजन है जी। पर न्यूजीलैंड भी तो ऑन अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड दे ही रहा है पी आर। देखो रणबीर जी, न्यूजीलैंड विच स्टे बैक ऑप्शन वर्सिज कैनेडा थोड़ी वक्री है। कैनेडा कहें जी तुम 2 साल का कोर्स करो, उस तो बाद सीधा 2 साल का स्टे बैक मिलेगा, उस तो बाद पक्के होने की ऑप्शन मिलती है। प्लस कैनेडा विच ट्रडिशनली बहुत ज़्यादा वड्डी इंडियन कम्यूनिटी है, विच मीनस कि ऑलरेडी स्टूडेंट्स के रिलेटिवस, नेबरस, भ्रा भैन, सिबलिंगस बहुत सारे बंदे उत्थे है, तो इसलिए कैनेडा हैज़ बिकम अ प्रेफर्ड चॉइस फॉर द स्टूडेंट्स। ऑल्सो कैनेडा विच जॉब्स भी बेटर है कंपेयर टू न्यूजीलैंड, रीजन बीइंग कैनेडा इज़ अ एजिंग पॉपुलेशन, तो दे आर इनवाइटिंग फ्रैश फ्रैश टैलेंट विद एप्रोप्रिएट स्किल्स जिहड़े आके कंट्री नूं अगे चला सकन, इसलिए कैनेडा ऑटोमैटिक इंडियन स्टूडेंट्स लिए चॉइस बनती जा रही है। जी रूपल जी, जे असी गल कर लीए, जिवें आपां इक बेस बनाया कि फस्ट प्रायोरिटी कैनेडा हर स्टूडेंट्स की हैगी, दिल्ली वाले की भी बनती जा रही है, पंजाब की तो ही हैगी, होर स्टेटां की भी है, बहुत सारिया चंगिया प्रोफाइल्स रिजैक्ट हो जाए, कैड़ियाँ गलतियां स्टूडेंट्स करता है ज एजेंट्स करता है, किस तो बचना चाहिए, रिजैक्शन तो किमें बचाया जा सकता? बहुत इंपॉर्टेंट आसपैक्ट जो मैं फाइल वेखनी हाँ कि असी फाइल सही तरीके नहीं लाते, जो स्टूडेंट्स ने उन्होंने सोचा एस पी पी कोई डॉक्यूमेंट तो लाना नहीं है, तो चलो अकैडमिक्स लाए तो हो गया काम। साढ़े को जरा रिजेक्शन कई बार असं वेखने दूसरे एजेंटा तो भी आते हैं, तो उन्होंने एक वेरी इंपॉर्टेंट रीजन लिखे होंगे मिसिंग मार्कशीट्स, तो बच्चे सोचते हैं चलो बैकलॉग की मार्कशीट ना लाओ तो साडा प्रोफाइल अस 60-65% बनते हैं, तो चलो फाइल ला दो। उन्होंने यह नहीं पता जो मार्कशीट डेट होंगी है वो दैट डे आर इशूड ऑन द सेम डे, सो उनको हाई कमीशन तो वीजा ऑफिसर है, दे गेट टू अंडरस्टैंड कि इन्हें कुछ ना कुछ मार्कशीट छुपाइया ने, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि असी बैकलॉग सर्टिफिकेट लाइए, असी चंगा प्रोफाइल है गए गुड, इफ यू इवन इफ यू हैव द बैकलॉग्स प्लीज शो इट टू हाई कमीशन, आप उसको कवर अप कर सकते हो अपने एस ओ पी में, आप उसको कवर अप करते हो अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स जो आपने अच्छे करे होते हैं, आप बहुत तरीके से उसको कवर अप, आपकी फंडिंग अगर आप थोड़ी फाइनेंशियली अपने आप को अच्छा दिखा देते हो, इनकम सर्टिफिकेट्स तुसी चंगे ला देंदे हो दैट यू हैव अ गुड फाइनेंशियल बैकअप, वो सब चीजें कवर कर लेता है, आपको जरूरी नहीं है कि पर जो तुसी पहले बारी कोई मार्कशीट नहीं लाई। हाँ जी, तो फिर तो बहुत बड़ी समस्या दूजे बारी। हाँ नहीं, मिसलीड की कई बारी मेरा फॉर एग्जाम्पल की होंगे, मैं सेमेस्टर रू दी मार्कशीट नहीं लाई क्योंकि मेरे 3 बैकलॉग सके, तो वो थर्ड सेमेस्टर इच मेरी यूनिवर्सिटी जो पीटीयू भी हैगी है, तो होर भी यूनिवर्सिटी है ने, वो मैंने सेकंड सेमेस्टर के मार्क्स थर्ड इच ला के दे देने ने, सो वो नहीं लाई, वो हाइड नहीं किया उन्होंने, उन्होंने रीअपेयर किया, वो नए मार्क्स नाले तो सब्जेक्ट सबमिट कर देंगे हो, लेकिन पुरानी छुपाई वो प्रॉब्लम है, तो तुसी फिर जनरल इच लांदे हो, तुसी बतांदे हो कि हाँ दसदे हो कि यू हैव एक्चुअली हिडन इट, नॉट हिडन इट, यू डिड नॉट सबमिट देम, तो फिर तुसी जिहड़े लांदे हो वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं कहांगी कि जिहड़ी भी जिन्नियां भी मार्कशीट ने, जिहड़ा भी बैकलॉग सर्टिफिकेट है, तुसी पहली बार च क्लीन फाइल लगाओ, प्रेजेंटेबल फाइल लगाओ, अकैडमिकली साउंड बच्चा,
ਜਿਹਦੇ ਬੈਕਲੌਗਸ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੇ ਨੰਬਰ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਲਸ ਚੰਗਾ ਹੋਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲੋ 50% ਮਾਰਕਸ ਹੈ, ਆਇਲਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਏਜੰਟਸ ਜਿਹੜੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੇ ਜੀ ਸਾਢੇ 5 ਬੈਂਡ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੈਕ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਫੰਡਸ। ਜਿਹੜੀ ਲੈਕ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਫੰਡਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕ ਪਾ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਫੰਡਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਾਰਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3 ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਸੀ, ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਫਿਊਚਰ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਆ, ਕੋਰਸ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਐਸਪੀਪੀ 'ਚ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਐਸਪੀਪੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਟ ਚਾਹੇ ਜਨਰਲ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਐਸਪੀਪੀ ਹੋਏ, ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਸਪੀਪੀ ਚਾਹੇ ਐਸਪੀਪੀ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਜਨਰਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਸਓਪੀ ਲਗਾਓ। ਨੋਰਮਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਓਵਰਆਲ ਦੇਖੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਥਿੰਕ ਕਿ ਐਸਓਪੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਸਪੈਕਟ ਆਫ ਦ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਜਦਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਸ 5 ਮਿੰਟ ਲਿਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਡੂ ਲੋਟ ਆਫ ਰਿਸਰਚ ਇਨ ਟੂ ਇਟ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਰਾਈਟ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ, ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਵੈਨ ਦ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਿਵਸ ਅ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਵੈਲਿਊ ਟੂ ਦ ਐਸ ਓ ਪੀ ਟੂ ਗਰਾਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਜੀ ਰੁਪਲ ਜੀ, 3 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਐਸ ਪੀ ਪੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਐਸ ਪੀ ਪੀ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਗੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਓਕੇ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਉਹ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੈਨੂਇਨਨੈਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਅ ਬੋਨਾਫਾਈਡ, ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਅ ਬੋਨਾਫਾਈਡ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੋਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸ ਓ ਪੀ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਟਾਈਜ਼ ਦਿਖਾਣੇ ਪੈਣੇ, ਮਾਂ ਪਿਆ ਦਾ ਦਿਖਾਣੀ ਪੈਣੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਮੁੰਡਾ ਆਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੈਮਲੀ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੈਟਅਪ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਰਵਾਂਗਾ, ਬਟ ਆਈ ਵਿਲ ਗੋ, ਆਈ ਵਿਲ ਸਟੇ ਬੈਕ ਫੋਰ 2 ਈਅਰਸ ਐਂਡ ਦੈਨ ਕਮ ਬੈਕ। ਅਗਰ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਯਹਾਂ ਪੇ ਅੱਛਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਬੈਕਅਪ ਹੈ, ਤੋ ਆਪਕੋ ਉਨਕੀ ਕੰਟਰੀ ਕੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪ ਉਨਕੋ ਯਹੀ ਲਿਖ ਸਕਤੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਯਹਾਂ ਪੇ ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ 8-10-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਕੇ ਕਮਾਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਉਨਕੇ ਪਾਸ ਇਤਨੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਤੋ ਮੈਂ ਬਸ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਗਰੋ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਸਕਿੱਲਸ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਸ ਪੀ ਪੀ ਟੂ ਜਨਰਲ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਧਿਆਨਯੋਗ ਰੱਖਣਯੋਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕਸੈਸ ਲੈ ਸਕੀਏ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸ ਪੀ ਪੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਐਸ ਓ ਪੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਸ ਓ ਪੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਫੋਰ ਐਸ ਪੀ ਪੀ, ਬਟ ਯੈਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸੋ ਉਸਮੇ ਕਿਆ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਚੇਂਜਿੰਗ ਯੋਰ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵਿਦ ਦ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੋਰਸ ਆਫ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਆਰਟਸ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ 12th ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੋਰਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਗੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਓ ਪੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਲਿਖੋ ਕਿ ਦੈਟ ਵਾਜ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਕਅਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਫੰਡਸ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੈਟਸ ਆਪਸ਼ਨਲ, ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਕਅਪ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਸੋ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਫਾਈਲ 'ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਹਾਇਰ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਇਨ ਵੀਜ਼ਾਸ। ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਿ ਚਾਂਸਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਦੌੜ ਲੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਰਸ ਸੇਮ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਉਹ ਕੋਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਰਸ ਆ ਲਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਆ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਥਾਲੀ ਦਾ ਬੈਂਗਣ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਿਆ ਹੈ ਆਫਟਰ ਦ ਆਰਟਸ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਯੂ ਗੋ ਇਨ ਦ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਲਾਈਨ ਅਗੇਨ, ਯੂ ਗੋ ਇਨ ਦ ਸਿਮਿਲਰ ਲਾਈਨ। ਅਗਰ ਆਪ ਆਰਟਸ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੋਲਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਲਾਅ ਕਰਨਾ ਥਾ, ਮੈਨੇ ਗਲਤੀ ਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈ ਲਿਆ ਥਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਮੇਂ, ਤੋ ਵੋ ਆਪਕੇ ਲਈ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਟੇ ਬੈਕ ਇਨ ਯੋਰ ਓਨ ਲਾਈਨ,
वी बेसिकली, मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, हम लोग स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि आप अपना कोर्स वही रखो, थोड़ा सा आप स्पेशलाइजेशन चेंज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, किसी स्टूडेंट के जो पेरेंट्स हैं उनका काम है इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स का, और अगर स्टूडेंट ने पीसीएम भी करा है पहले या फिर अगर आर्ट्स भी करा है, तो अगर स्टूडेंट आईबीएम ले लेता, मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट ले लेता, तो उसके लिए हेल्प हो जाती है. बिकॉज वो ये बोल सकता है कि अपने पेरेंट्स को मैं हेल्प करने के लिए आई एम लर्निंग दिस एंड आई विल यूज इट फर्दर इन माई ओन बिजनेस. सो सिमिलर काइंड ऑफ फैक्ट्स, वी मेक श्योर कि द स्टूडेंट गोज इन द सेम कोर्स, बट वी मेक अ स्टोरी आउट ऑफ इट. जी सर, जी एक चीज दसो, तुसी मैं पहला भी जिक्र किया है, इन्ने बच्चे भेजे, इन्ना एक्सपीरियंस तुहाडा हो गया, यूनिवर्सिटियां वाल क्यों ध्यान नहीं है बच्चों का, कॉलेज नूं छड्ड के डिग्रियां वाल क्यों ध्यान नहीं है? बेसिकली रणबीर जी, स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी इसलिए प्रेफर कर रहे, नंबर एक बिकॉज एक्सपेंसिव बहुत है, नंबर दो यूनिवर्सिटी की एंट्री रिक्वायरमेंट्स बहुत हाई है, एंड वर्सेस कॉलेजेस जिदे विच एडमिशन भी सौखी है, फीसिस भी सस्ती है, ऐसे लिए मेजोरिटी ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं कॉलेज ओवर यूनिवर्सिटी. तो कमिंग बैक टू थोड़ा एक होर क्वेश्चन जी रूपल नू, कि जो वीज़ा का कॉमन एजेंडा रहा है, पॉइंट रहा है कि तुसी कोर्स कंप्लीशन तो बाद तुसी इंडिया वापस नहीं आओगे, एदा जी मैं अपने 18-19 साल के तजर्बे नाल एक पॉइंट डिस्कस करना चाहना जी. तो माई अंडरस्टैंडिंग इज कैनेडा विच अज दी डेट विच कैनेडा गवर्नमेंट नू पता है जो स्टूडेंट आ रहा है उन्हें आके पक्के होना, उन्हें आके रहना है. मैं भी यही कह रहा था कि पॉलिसी डबल क्यों है, जो पीआर भी देनी है, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी कह देना कि वापस नहीं जाओगे. उदे विच की होंदा रणबीर जी, स्टूडेंट नू ना अपना इंटेंट शो करना पैंदा, उन्हां नू स्टूडेंट्स हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट अप फ्रंट, एंड लाइक आई सेड कि इहदे विच की होंदा, जिहड़े कैनेडियन गवर्नमेंट है, कैनेडियन गवर्नमेंट हाई क्वालिटी हाई कैलेबर स्टूडेंट लगती है. मैं अपने एक्सपीरियंस तो यह गल बिल्कुल टेस्टिफाई करना कि जो तुम अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में क्या कि मैं अपनी स्टडीज में यह पढ़िया, मेरे यह ग्रेड्स है, मैं कैनेडा जाके यह कोर्स करांगा, यह कोर्स करने तो बाद मैं कैनेडा एक दो तीन चार साल रह के इतने इतने जॉब्स लिए अप्लाई करांगा. इफ यू आर एब्सोल्युटली ऑनेस्ट एंड टेल देम फाइन आई एम अ गुड स्टूडेंट, मैं कैनेडा जाके चंगा पढ़ के मेरा क्लियर फोकस पाथ है, यह मैं फील्ड ऑफ करना चाहता, यह कंपनीज मेरी टारगेटेड लाइन्स है, कैनेडियन गवर्नमेंट फॉर श्योर विल गिव देम वीजा. बिल्कुल पै रही है रणबीर जी, बिकॉज लाइक आई सेड अज दी डेट विच कैनेडा विच एक्यूट शॉर्टेज है, उन्हां दी एजिंग पॉपुलेशन है, ते दे आर लुकिंग एट पीपल specifically also in the areas along with management of STEM, जिदे विच उना नू स्टूडेंट्स चाहिए जिहड़े आके उना दी इकॉनमी विच कंट्रीब्यूट करन. हां जी बिल्कुल ठीक गल तुहाडी, STEM दे नाल रिलेटेड ज्यादा जिहड़े हैगे ओह बच्चे चाहिए हैगे. बिल्कुल जी. कोर सब्जेक्ट किन्ना क मायने रखदा हैगा कैनेडा दे विच वीजा प्राप्त करन दे? बहुत रखदा जी रणबीर जी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इहदे विच ओह देखदे कि अलोंग विद इंस्टीट्यूशन एंड एजेंट ਉਹ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਆਪਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਮਫਸਿਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾਈ ਦਿਸ ਕੋਰਸ, ਉਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਕੋਰਸ ਮੋਡਿਊਲਸ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਉਹ ਕੋਰਸ ਮੋਡਿਊਲਸ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ. ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ ਵਿੱਚ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ. ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ. ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਪਲ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਰੱਖਣ ਨੇ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕਾਲਜ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਕੋਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੀਆਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ. ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਨੂੰ? ਉਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੋ ਆਪਨੇ ਕੋਰਸ ਲਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਉਸ ਪਰ ਰਿਸਰਚ ਅੱਛੇ ਸੇ ਕਰੋ. ਵਨ ਥਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਗਲੋਬਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼, जब आप यहाँ पे काउंसिल, वेन वी काउंसिल यू, वी मेक श्योर दैट यू रीड द कोर्स कंटेंट्स वेरी वेरी केयरफुली. वी आर द करियर एडवाइजर्स, वी टेल यू कि आपने ये पढ़ना है, इसके बाद आप ये जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, ताकि बच्चा कन्विंस हो जाए इस बात से कि हाँ मुझे ये पढ़ना है और मुझे ये करना है. अपना जो आज आपने ले लिया अपने पाथवे, जो आपने 2 साल पढ़ना है, वही आपने आगे 40 ईयर्स तक अपनी उसी एरिया में एम्प्लॉयमेंट रखनी है. बारी बारी तो नहीं पढ़ पढ़ के आप लोग अपने पेरेंट्स के पैसे खर्च करोगे ना. आप पढ़ोगे 2 साल, फिर आप 40 साल तक उसी टाइप का करियर लोगे. स्टूडेंट्स को मैं यही बोलूंगी, प्लीज डू नॉट जंप द कॉलेजेस, प्लीज डू नॉट चेंज द कोर्सेज. स्टूडेंट्स जाते हैं यहाँ से यू नो सॉफ्टवेयर में चले गए, स्टूडेंट्स इवेंट्स मैनेजमेंट में चले गए, वहां जाके चलो कुछ सोखा कोर्स है हॉस्पिटैलिटी वो चेंज कर लो. जब तक आप लोग कमिटेड और कंफर्म नहीं हो कि हॉस्पिटैलिटी एक्चुअली आपकी 40 साल आगे तक
कि ऑक्यूपेशन रहेगी और आप उसमें एक्चुअली काम कर सकते हो, किचन में खड़ा खड़े होकर खाना बना सकते हो या लोगों को सर्व कर सकते हो, तब तक प्लीज कोर्स को चेंज मत कीजिए। जो आप यहाँ से अपने लिए प्लान करके जाते हैं आप उसी में ही रहिए। जी, पीजी वाले बच्चों ने एक समस्या आती है जी, कई बार 2 साल का कोर्स नहीं मिलता, की बच्चों को 1 साल का कोर्स लेके चले जाना चाहिए, उत्थे जाके एक्सटेंड करा लेना चाहिए दूसरा साल? बिल्कुल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप 1 साल का कोर्स लेके जाते हो, बिकॉज पॉसिबिलिटी है कि आपको उस कोर्स में अगर कोऑप मिल रहा है या आपको इंटर्नशिप प्रैक्टिकम मिल रहा है, तो अगर आपकी वो वाली कंपनी आपको वहीं एब्जॉर्ब कर लेती है, आपको क्या जरूरत है थर्ड ईयर सेकेंड ईयर में स्टडीज करने की? मेक श्योर आप अपने लाइन में जा रहे हो, यू टेक अ रिस्क, द करियर इज ऑल अबाउट दैट, सो यू टेक अ रिस्क। इफ यू गेट द जॉब, वेरी गुड, कंटिन्यू विद द वर्क परमिट। इफ यू डू नॉट, यू विल गेट टू नो दिस आफ्टर 6 months ओनली कि आपको आगे। पर जो 1 साल का तुसी कोर्स लेके जा रहे हो, फिर तो वर्क परमिट नहीं लेना चाहिए ना, पहले 2 साल की स्टडी कंप्लीट करनी चाहिए। हाँ जी, नहीं नहीं, थोड़े को चॉइस है ना, तुसी 1 साल का थोड़ा वर्क परमिट अगे मिलेगा, तो वो एक्सटेंडेबल तो है ना, जो थोड़े 1 साल का वर्क परमिट है वो भी एक्सटेंडेबल है, अगर थोड़ी कंपनी थोड़ा स्पॉन्सर कर देती है फर्दर तो तुसी रह सकते हो। मेरे कुछ स्टूडेंट्स है जो सितंबर 15 गए थे, उन्होंने पीआर हो भी गई है, क्योंकि उन्होंने जाके स्टडी परमिट के बेसिस उते अपना अप्लाई किया, तो एक्सप्रेस एंट्री के अंडर उन्होंने पॉइंट्स बन गए। पर 1 साल का कोर्स है, 1 साल का वर्क परमिट मिले, फिर तो पॉइंट नहीं ना पूरे होने थोड़े। नहीं, थोड़ा तुसी अंदर इधर एक्सप्रेस एंट्री चे तुहाडे अगर स्किल उथे मैच हो जाते हैं, तुसी अगर वर्क एक्सपीरियंस शो कर देंगे, तुसी पार्ट टाइम वर्क एक्सपीरियंस किता है, वो अगर थोड़ा उथे पॉइंट्स मिल जाते हैं तो थोड़ा होंदा है ना। जी, यानी कि पीजी वाले 1 साल का जो कोर्स मिलता ऑप्शन ले लेनी चाहिए। हाँ, और अगर नहीं होंदा तो 2-3 महीने पहले ही पता होंगे कि थोड़ा जॉब इतने नहीं लग रही, तो तुसी एक्सटेंड करो, तुसी सानू वापस कॉन्टैक्ट करो, असी थानू नेक्स्ट कोर्स का एडमिशन लेटर ला के दवांगे, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੀ, ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਲਈ ਕਦੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? 2017 ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ, 17 ਦੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਲਈ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾਜ਼, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਫਾਈਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਲਈ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਲਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਕੁਝ ਤੇ ਡੈਡਲਾਈਨਸ ਕਲੋਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨਸ 1 February ਸੀਗੀ, ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਨੇ। The few universities which are still left out till 30th of March, so please make sure कि आप आराम से उसके लिए जल्दी जल्दी अपना IELTS का एग्जाम देके, GRE, GMAT जो भी आपको एग्जाम्स प्री रिक्वेजिट है वो देके आप प्लीज जल्दी अप्लाई कीजिए। फॉर द कॉलेज स्टूडेंट्स प्लीज गिव योर IELTS एट द बेस्ट, हमारे पास इतना टाइम नहीं है अब IELTS के लिए, सितंबर के लिए, कि हम IELTS दें फिर हम दोबारा IELTS दें फिर हम अच्छे कॉलेजेस में जाएं। सिद्धार्थ जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 17 के बच्चे हुण पास आउट होंगे, उन्होंने हुणे तो कैड़ियाँ तैयारियां करनी चाहिए? बेसिकली रणबीर जी, हमेशा मैं पिछले टीवी शो चुके हैं तो हमेशा मैं सजेस्ट करना, सब तो पहले स्टूडेंट नू रिसर्च करनी चाहिए कि उन्होंने केड़ी कंट्री जाना है, केड़ा कोर्स पढ़ना है, बेस्ड ऑन दैट उन्होंने एक चंगा कंसल्टेंट लभना चाहिए कि जो उन्होंने अगे गाइड करे, जिदे विच इट इज़ नॉट अ ईजी टास्क, जिदे विच काफ़ी चीज़ा इनवॉल्व है। फर्स्ट ऑफ ऑल करियर काउंसलिंग करके, जिवें रूपल ने कहा कि केड़ा कोर्स उन्होंने प्रीवियस अकैडमिक हिस्ट्री नाल मैच करता है, उस कोर्स के अगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की हैगे है जी। अकॉर्डिंगली स्टूडेंट अपनी एप्लीकेशन लानी शुरू करे तो कंसल्टेंट नाल एडवाइस करेगा कि वीज़ा के रिक्वायरमेंट्स की है, फंडिंग रिक्वायरमेंट्स की है, अकॉर्डिंगली फंडस नूं हुणे तो अरेंज करना शुरू करन, उस तों बाद इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स की है, तो अकॉर्डिंगली IELTS या PT जो भी है उन्हां दी तैयारी हुणे तो शुरू करे। तो उस तो बाद कई बार की होंगे, कई स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ कैनेडा की गल नहीं करता, मैं होलिस्टिकली सारी कंट्रीज की गल कर रहा, अकोमोडेशन की काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो दिस इज़ द राइट टाइम कि हुणे अप्लाई करके अपनी नाल अकोमोडेशन भी हुणे सिलेक्ट करनी शुरू करन। तो आई वुड से राइट नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज, जिन्हें जाना है स्टूडेंट ने अज की डेट में हुण तो स्टूडेंट अपनी रिसर्च करनी शुरू करन, एप्लीकेशन लाने शुरू करन, अपनी फंडिंग तैयार करन, इंग्लिश IELTS होए या PTE उसकी तैयारी शुरू करे, तो सो दैट जिवें आप सितंबर 2016 में चुकिया सी, बहुत सारा यहो जिहा स्टूडेंट सी जिन्होंने बिकॉज अपनी टाइम तो तैयारी नहीं की, इनटेक्स बंद हो गए, उन्होंने जनवरी 2017 में अप्लाई किया, एज अ रिजल्ट मोस्ट ऑफ कॉलेज इन कैनेडा 10 दिन खुलने के अंदर ही बंद हो गए एडमिशन्स। तो दिस इज़ द राइट टाइम, दे शुड स्टार्ट रिसर्चिंग एंड दे शुड स्टार्ट अपलाइंग नाउ। कंडीशनल कड़ी शर्तों ली जा सकती है? फॉर एग्जाम्पल तुहाडे कोल भले रिजल्ट आना प्लस टू का, IELTS भी नहीं है, जे दो ही चीज़ा नहीं है फिर भी कंडीशनल ली जा सकती है? बेसिकली जे इट डिपेंड्स रणबीर जी, कंट्री टू कंट्री। आप जे कैनेडा की गल करिए, कैनेडा में कई कॉलेज यहो जे है जो कंडीशनल ऑफर तुम्हें दे देंगे बेस्ड ऑन प्लस 10th एंड प्लस 1 स्कोर, ऑलसो
इट इज़ इंपॉर्टेंट कि जब स्टूडेंट ने अपनी आईएलटीस रजिस्ट्रेशन कराई है तो लेट्स से एग्जाम महीने 2 महीने बाद है पर आईएलटीस रजिस्ट्रेशन कराई है फिर भी कॉलेज कंडीशनल ऑफर दे देगा। जी कई कॉलेजेस यहो जे है जड़े नहीं इशू करते मोर जे यूके की गल करो न्यूजीलैंड की करो ऑस्ट्रेलिया की करो होलिस्टिकली वो सारे सेम पैटर्न पर ही काम करते हैं वो कंडीशनल ऑफर देते हैं सब्जेक्ट टू कंप्लीशन ऑफ आइदर प्लस टू या डिग्री प्लस सब्जेक्ट टू सक्सैसफुल मिनिमम बैंड स्कोर इन आइल्स और पीटी। जी रुपल जी जो असं गल करते हैं एक विद्यार्थी की कि उन्हें जाना है उस तो पहले कि तैयारियां करें जिमें असी 17 की गल करके हटे है कि करना चाहिए बच्चे अज 17 जिम्मे आप गल कर रहे कि पास आउट होना है बच्चे ने उसनू मतलब परसेंटेज वाल ध्यान देवे बैंड वाल ध्यान देवे किस चीज़ वाल ध्यान देवे हुण दोनों दे वाल ध्यान देवे बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने कोर सब्जेक्ट्स स्पेसिफिकली अगर आपके पास 12th में मैथमेटिक्स है तो उस पर अच्छे से ध्यान दीजिए अगर वो आपका एडिशनल सब्जेक्ट है तब भी उस पर बहुत ध्यान दो क्योंकि मैथ्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कैनेडियन हाई कमीशन के लिए एज अ बेस ऑफ योर स्टूडेंट वीजा दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आपके पास एडिशनल मैथमेटिक्स है प्लीज उसको लाइटली मत लो। हाँ एडिशनल में मैं सवाल पूछ रहा सी जे एडिशनल च नंबर कट गए बहुत सारे बच्चे होंदे कि एडिशनल है मेरे को नंबर कट गए ता भी कुछ लेकिन ओवरऑल परसेंटेज तो डिप डाउन हो जाती है ना अगर आप कंप्लीट मार्कशीट देखोगे तो अगर वो लोग उन हाई कमीशन के पास वो वर्ड नहीं जाता कि ये एडिशनल सब्जेक्ट था उनके पास वो 6 सब्जेक्ट जाते हैं वो प्लस करके 600 में से उन्होंने डिवाइड करके इंटू 100 करके परसेंटेज निकाल देनी है। तो अगर आपका मैथ्स एडिशनल है फिजिकल एजुकेशन एडिशनल है या पंजाबी एडिशनल है प्लीज अपने कोर्सेज को लाइटली मत लीजिए कोई भी सब्जेक्ट लेस देन 50 हुआ इट विल बी अ रिवर्स इंपैक्ट ऑन योर वीजा फाइल। जी सिद्धार्थ जी अमृतसर ऑफिस खोलिया दे पीछे की वजह रहेगी की फायदे होंगे स्टूडेंट्स में बेसिकली अंबी जी ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज की शुरुआत अमृतसर तो सी मैं खुद अमृतसर का जिम्मे मैं टीवी शो च बहुत बार कह चुका तो अमृतसर ऑफिस मैं तो 18 साल पहले खोलिया सी बट बिकॉज अमृतसर मेरे खुद ही पैदायशी शहर है इसे लिए अमृतसर में आप हम वड्डा दफ्तर खोलिया काफ़ी वड्डा एक्सपैंड किया है रणजीत एवन्यू विच नागपाल टावर टू विच ते बेनीफिट है कि हुण उहदे विच मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत वड्डा ऑफिस है उहदे विच क्लासरूम्स प्रॉपर क्लासरूम्स हैगियां फैसिलिटीज हैगियां स्टूडेंट्स अपने बह के कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग कर सकते हैं तैयारी कर सकते हैं पी टी की आइल्स की जी मैट की जी आर ई की प्लस उत्थे काउंसलिंग टीम भी बता दी गई है प्रॉपर एक सपरेट वीजा डेस्क भी हैगा तो जो स्टूडेंट्स अमृतसर तो नियर बाय अमृतसर एरियाज के है तो मैं उन्होंने वैलकम करा कि प्लीज़ साढ़े दफ्तर आओ अमृतसर के जी तो आके साड़ी सर्विसिज देखो तो आई एम श्योर कि दे विल हैव अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस विद ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज अमृतसर। तुसी हाई कमीशन न्यूजीलैंड नू मिलके आए हो कि कुछ खास पॉइंट साझे करोगे? बिल्कुल रणबीर जी लास्ट वीक मैं तो मेरी कंट्री हैड मीनाक्षी अरोड़ा जी आप गए सी बॉम्बे तो आप न्यूजीलैंड हाई कमिश्नर के सीनियर ऑफिसर नू मिले सी तो बेसिकली उन्होंने मैं रेफरेंस टच पॉइंट किया कि चेंजेस आ रहे जुलाई में क्योंकि क्योंकि मार्केट में अज की डेट में बहुत ज़्यादा र्यूमर है कि न्यूजीलैंड काफ़ी पॉलिसीज चेंज कर रहे हैं तो द आंसर वॉज कि यह सारी र्यूमर हैगी है कोई सच पॉलिसी चेंज नहीं आ रहे कुछ चेंजेस नहीं कोई चेंजेस नहीं आ रहे एज पर दैम बट वो कह रहे हैं कि दे आर स्टिल वो हूँ भी अज की डेट में भी न्यूजीलैंड हाई कमीशन वेलकम कर रही है स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया बट राइट स्टूडेंट्स तो उन्होंने कंपैरेटिव एनालिसिस दिता सी मैनू उन्हों का वीज़ा सक्सैस रेट सेम टाइम लास्ट ईयर 40% तक डिप होया सी अज की डेट में उन्होंने 65% दोबारा वीज़ा सक्सैस रेट अप होया उन्होंने एक गल होर मैनशन की है कि स्टूडेंट का जो वीज़ा सक्सैस रेट है वो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट किड़ी इंस्टीट्यूशन जा रहा है किड़े एरिया तो है तो एजेंट किड़ा इनवॉल्व है। अच्छा एजेंट भी बिल्कुल बिल्कुल दिस इज़ व्हाट दे सेड बिकॉज वो बहुत क्लोजली देख रहे हैं कि एजेंसी का प्रास ट्रैक रिकॉर्ड की है जिदे विच उन्होंने आई वुड वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि एजेंट्स नू भी उन्होंने हाई रिस्क लो रिस्क एजेंट भी रखे हुए हैं। नाउ हैविंग सेड दैट माय नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज कि कई बार स्टूडेंट्स की करते हैं कि उन्होंने लेट्स से पेरेंट्स को मल्टीपल सेविंग अकाउंट हैगे है तो 6-7-8 सेविंग अकाउंट क्लब करके जो फंडिंग प्रॉपर बनती है उस बेस पे वीजा रिफ्यूजल क्यों आ रहे हैं बिकॉज स्टूडेंट्स की फंडिंग तो बन रही है। न्यूजीलैंड हाई कमीशन इज़ वेरी क्लीयर कि जो मल्टीपल अकाउंट्स तुसी शो करते हो उस केस विच वीज़ा दे चांसेस काफ़ी डिम हो जाते हैं। नहीं एक दादा जी दे फंड एक फादर दे एक मदर दे इन्हें भी कंसोलीडेट करके दो तीन अकाउंट होने ठीक है जो एको नंबर एको ना दे जो 4-5-6 अकाउंट है फिर समस्या बिल्कुल है जी। जी सरदार जी कुछ खास आज दे शो लिए बेसिकली जी मैं स्टूडेंट्स की यही एडवाइस करांगा कि तुसी जे सितंबर में जाना चाहते हो तुसी हुण तो अपनी रिसर्च करनी शुरू करो हुण तो अपनी जो
ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਪਲੱਸ 2 ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਚੰਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਣੀ ਆਈਐਲਟਸ ਤੇ ਪੀਟੀ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ ਚੰਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਣਾ ਕਾਲਜ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਪੀਟ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ।